ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी गीता पर प्रवचन कर रहे हैं और 15वें श्लोक की व्याख्या आज वो करेंगे। गुरु जी वेद उपनिषद पुराण और गीता के मर्मज्ञ हैं और इन सभी के मर्मों के साथ में उनके ज्ञान के साथ में गीता का विश्लेषण हो रहा है, तो उस लाभ के लिए हम सभी चलते हैं गुरु जी की ओर। अब हम गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि कृपया वो 15वें श्लोक की व्याख्या करें। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिज्ञानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्र पातमहं वंदे परमानंदमाधवं। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, जिज्ञासु छात्रवृंद, सभी सज्जनवृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिदय अवस्थी जी, हम लोग इस गीता ज्ञान यज्ञ में भक्ति योग नामक द्वादश अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भक्ति की योग्यता के अनुसार भगवान के भजन के स्वरूप के प्रति चर्चा हुई और उसके पश्चात भगवान ने बतलाया कि उनका सबसे अधिक प्रिय कौन हो सकता है। वस्तुतः इस भक्ति योग नामक अध्याय में भक्ति के ही स्वरूप को केवल नहीं बताया गया, भक्ति के स्वरूप की भी चर्चा हुई और भक्ति के कौन से प्रकार योग्यता के अनुसार भक्त कर सकता उस पर भी विचार हुआ। और संप्रति यह है कि उस भक्त का स्वरूप कैसा होना चाहिए जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, और कौन ऐसा स्वरूप है जो उसमें नहीं होना चाहिए जिसके कारण वो भगवान का अत्यंत प्रिय होता है। 15वें श्लोक में यही बतलाया गया कि कौन कौन वो योग्यता उस भक्त में होनी चाहिए। भगवान कहते हैं यस्मात् नोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः हर्षा वर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः सच मे प्रियः। संसार को हम लोग सागर कहते हैं, संसार सागर ऐसा है। और संसार सागर में, जैसे सागर में क्या है, अनेक जलचर उसमें रहते हैं, बहुत से जीव हैं उसमें, अनेक प्रकार के, कुछ सब कोई मिलजुल के भी रहते हैं, कुछ ऐसे भी रहते हैं सामने आ जाए तो उसको खा जाए या उसको चोट पहुंचा दे, कुछ ऐसे भी रहते हैं कि उनसे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। वही स्थिति हमारी, कहीं हम किसी के बहुत बड़े दुश्मन बने रहते हैं तो कहीं मित्र बने रहते हैं, कोई हमसे उदासीन भी रहता है, कहीं हमको अत्यंत बड़ा आनंद होता है और कहीं बड़ा क्रोध भी होता है। किसी से या तो हम डरते हैं या तो किसी को डराते हैं, ये अनेक प्रकार की स्थितियां हमारे जीवन में व्यवहार में देखने को मिलती हैं। किंतु इनसे क्या होता है,
कि हमारा जो मस्तिष्क है कहीं ना कहीं आहत रहता है, और आहत होने के कारण जो हमारा जो मुख्य ध्येय है, जो मुख्य उद्देश्य है, उसके प्रति हम प्रायः लापरवाह हो जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति नहीं बन पाती, ध्यान बनता नहीं, एकाग्रता मन की नहीं बनती। तो इस कारण से जिसको हम लोग शांति कहते हैं, वो शांति हमें प्राप्त नहीं होती, हमेशा मन अशांत रहता है। इसी को चिकित्सा की भाषा में रोगी कहते हैं। भगवान कहते हैं कि उसको ऐसा व्यक्ति हमारा प्रिय नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहते हैं कि यस्मानोद विजते लोको लोकानोद विजते च यह हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तः यह सच में प्रिय। व्यक्ति कैसा होना चाहिए? यस्मात् न उद्विजते लोका, समाज या संसार के जितने भी लोग हैं जो उसके संपर्क में हैं, उसको देख करके किसी जीव को कष्ट नहीं मिलता हो, उद्वेग नहीं, व्याकुलता नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, अक्सर देखने में आता है, हम उससे कभी मिले नहीं है, उसने हमारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, ना कुछ बनाया भी नहीं है, तो उसका चेहरे को देख करके ही हमको गुस्सा आता है। ऐसा क्यों होता है? और ऐसा भी देखा जाता है किससे हमने हमारा कभी उसने कोई लाभ नहीं किया, किसी भी प्रकार का हमारा उपकार नहीं किया, यहां तक तो ठीक से कभी से बात भी नहीं की, पर उसको देखते ही मन में प्रसन्नता होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि एक चित्र हमने मस्तिष्क में बना के रखा है अपने से ही, इस तरह का व्यक्ति हमें पसंद है, इस तरह का व्यक्ति हमें ना पसंद है, यही हमारी भूल होती है। सृष्टि के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी सृष्टि के जितने भी अंग हैं, वो भी भगवान श्रीमन्नारायण के ही स्वरूप में है, उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो सबको देख करके हमको प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए, और जब हम सबको देख करके प्रसन्न होंगे तो हमारे शरीर में, मस्तिष्क में भी एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी कि जिससे हमको भी देख करके लोग प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। तो लोग हमें देख करके प्रसन्न हो, ये तो हमारे बस में नहीं है, परंतु अन्य लोगों को देख करके हम प्रसन्न हो, ये हमारे बस की बात है, हम ऐसी साधना कर सकते हैं। तो प्रथम साधना क्या है? प्रथम साधना यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को देख करके हम प्रसन्नता का अनुभव करें। लोकात नोद विजते चयो, पहले यही रुकता है, हम किसी को भी देख करके व्याकुल ना हो, किसी को देख करके हमारे अंदर गुस्सा ना आए, प्रसन्नता का ही अनुभव हो, ये पहले हमको साधन करना चाहिए। जब हम ये साधन करके योग्यता अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं तो यस्मान नोत विजते लोकः, ये भी दूसरी साधना हमको करनी पड़ेगी कि हमारे ऐसे कृत्य हो कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को हमसे व्याकुलता प्राप्त ना हो। तो दोनों प्रकार का कार्य हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले किसी भी को देख करके अपने अंदर हमें प्रसन्नता का अनुभव करना पड़ेगा, प्राणी मात्र को देख करके, चाहे वो हिंसक पशु ही क्यों ना हो, उसको भी देख करके प्रसन्नता का अनुभव करना पड़ेगा। और शास्त्र तो ये भी कहता है कि हिंसक प्राणी से भी अगर आपको किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है,
तो उसके प्रति भी आपकी द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। अपने शरीर की रक्षा करना है, कहीं अगर मजबूरी हो तभी हम कुछ दूसरा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि आत्मानम सत्यम रक्षेत, ये भी शास्त्र का नियम है। परंतु केवल ये फला ये खतरा कर सकता है, ऐसा करके उसके प्रति हिंसक भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए यस्मात लोकात नोद बिजते, या लोक से किसी भी संसार में किसी से भी प्राणी से जिसको जो है व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी आपका स्वभाव और आपका स्वरूप होना चाहिए, और ऐसे आपके कार्य होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। यस्मानोत विजते लोका, आपको देख करके भी किसी को व्याकुलता नहीं हो। और इसके बाद तीसरी सिद्धि आपके पास होना चाहिए, हर्षावर्ष भयोद्वेगैर मुक्तः। कभी बहुत ऐश्वर्य होने से तुरंत अत्यंत हर्षित हो जाना, या थोड़ा सा ही अपराध होने पर उसके ऊपर क्रोधित हो जाना, आपे से बाहर हो जाना, या छोटी से ही अवस्था में किसी से भय से जो है व्याप्त हो जाना, तो इन जो हर्ष का जो उद्वेग है, ठीक है, ये तीन ही व्याकुलता के मुख्य कारण है, हर्ष, अमर्ष और भय। अत्यंत हर्ष से भी हमारी व्याकुलता बढ़ती। व्याकुलता का मतलब क्या है? सामान्य अवस्था से हट जाना। कभी कभी हम अत्यंत हर्ष में होकर भी गलत कार्य करते हैं, क्रोध में तो करते ही हैं, भय में भी कर डालते हैं, कभी हर्ष में भी गलत कार्य हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में उस इनका जो तीनों का जो वेग है, तो हर्ष का जो वेग है, अमर्ष का जो वेग है, भय का जो वेग है, और व्याकुलता का भी वेग होता है, इन सभी से मुक्त होना। तात्पर्य क्या हुआ कि प्रत्येक अवस्था में समभाव में स्थित होना। ये जब ये तीन प्रकार की योग्यता जब हमारे अंदर विकसित हो जाती है, तो हमारा मस्तिष्क क्या होता है, उस परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित बनता है, और तब जो है वह परमात्मा हमें चाहने लगता है। परमात्मा को हम चाहते हैं इतने से काम नहीं होगा, परमात्मा हमें जब चाहने लग जाए, परमात्मा हमसे प्रेम करने लग जाए। भगवान कहते हैं कि भगवान तभी आपसे प्रेम करेंगे जब ये आपकी अवस्था हो कि आपसे कोई संसार का कोई प्राणी उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, और संसार के को किसी भी प्राणी से आप कभी भी कष्ट का अनुभव ना करें, और जैसा बतलाया गया हर्ष भय इत्यादि का इनका भी प्रभाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए, तभी भगवान आपके अत्यंत प्रिय होंगे। ऐसा भगवान कहते हैं कि सच में प्रिया, वह मेरा प्रिय है, अर्थात भगवान भी उसको अपना प्रिय मानने लगते हैं। जब व्यक्ति अपनी साधना से और जो है इन गुणों को, इस योग्यता को धारण करता है। गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया है, जिससे हम सभी लाभान्वित हुए कि परमात्मा किन लक्षण से युक्त भक्त को सबसे ज़्यादा चाहता है, उसका विश्लेषण गुरु जी ने किया। और ये ज्ञान सभी तक पहुँचे, इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।